हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स क्या आपको भी पॉपलेट फिश पसंद है सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम गए हैं सुबह सुबह एकदम फ्रेश फिश लाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम दम सब कुछ फ्रेश फ्रेश है तो यहाँ पे हम घर पे लेके आ गए हैं पॉपलेट जो कि एकदम अच्छे से उन्होंने क्लीन करके दिया था मैंने भी घर पर अच्छे से क्लीन कर लिया यहाँ पे उसका मसाला जमा कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन मिर्ची धनिया ये सारी चीज़ें को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से मैं इनको पीस लूँगी बारीक मैंने पीस लिया यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर जो कि एक चम्मच है और एक चम्मच यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ अगर आपके पास सौंफ़ का पाउडर है तो वो भी डालेगा उससे बिल्कुल भी और फिश में स्मेल नहीं आती ये देगी लाल मिर्च डालेगा उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तंदूरी एवरेस्ट मसाला इससे बहुत ही अच्छी खुशबू बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा नींबू निचोड़ दिया है मैंने इसके अंदर इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी उसके बाद यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है तो आप अपने हिसाब से नमक डालेगा इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया है जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा ऊपर का सर्फेस तो यहाँ पे मैं ऊपर नींबू अच्छे से निचोड़ ले रही हूं ताकि अंदर भी अच्छे से इसका नींबू चला जाए और अच्छा लगे खाने में सो गैस उसके बाद मैंने मसाला ले लिया है मसाले को फिश के अंदर भरूंगी जितने भी कट्स हैं ना उन सब के अंदर डालूंगी ताकि अंदर से भी वो पक जाए और बहुत ही अच्छा लगता है अगर फ़िश के अंदर भी मसाला मतलब भिना हुआ रहता है अच्छे से तो यहाँ पे मैं बारी बारी करके सारे फ़िश में आ, मसाले भर दूंगी अच्छे से उसके बाद आपको ना इनको कम से कम आप चाहें तो एक घंटा दो घंटा आप रख सकते हैं अच्छे से ताकि अच्छे से इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ है ना वो अच्छे से भीन जाए उसके बाद इन सबको मसाला लगाने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था और मैं मेरे पास टाइम कम था इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा रखा था उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए निकाल लिया है उसके बाद आपको एक साइड छ से सात मिनट पकाना है एक साइड छ से सात मिनट पकाना है तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक फ्राई पैन में कर रही हूँ ताकि वो चिपके ना तो अगर आप नॉन स्टिक में करेंगे तो बहुत ही आसानी से पक जाता तो यहाँ पे मैं दो दो करके इनको तल रही हूँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया तो सच बनी बहुत ही टेस्टी लग रहा है बहुत ही मजे का लग रहा है आप रोटी के साथ खा सकते हैं पराठे के साथ खा सकते हैं या तो सिर्फ नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं बस आपको ऊपर से लींबू निचोड़ना है बहुत ही मजे का बना था बहुत ही टेस्टी बना था सो so, आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें लाइक करें चेक करें थैंक यू